दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ये सीवर सक्शन जेट मशीन एक गोदाम के बाहर खड़ी है। गाजियाबाद के मोदी नगर के इलाके में हूँ, एक कारखाना मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कारखाने की पूरी पड़ताल आपको बता रहा हूँ और किस तरह से आप ये बिजनेस कर सकते हैं सीवर सक्शन जेट मशीन और सीवर सक्शन मशीन से। नगरपालिका, नगर पंचायत, कोई भी प्राधिकरण हो, सीवर की साफ सफाई करनी हो और अच्छा बिजनेस आपको करना हो तो दोस्तों एक कारखाना आपको मैं दिखा रहा हूँ। कारखाने के मालिक से बातचीत करेंगे और किस तरह से आप ये मशीनें खरीद सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा सीवर की सफाई के दौरान काफ़ी मजदूरों की मौत हो जाती है गैस के कारण। अभी मशीनें साफ़ सफाई कर रही हैं, आप देख रहे हैं ये बहुत सारी मशीनें बन रही हैं। जो मशीन पहले काफ़ी पैसा खर्च करके बनती थी, ट्रक पर ही चलती थी, लेकिन अब वो मिनी ट्रक और ट्रैक्टरों पर चल रही हैं। आप देख रहे हो मिनी ट्रक पर मशीन चल रही है और इसके अलावा आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर पर भी मशीन है। किस तरह की मशीनें हैं, कारखाने में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और ये चाहे J&K का इलाका हो, चाहे बिहार का इलाका हो, आप देख रहे हैं ये मशीन J&K में जा रही है, सेक्शन मशीन है। और कारखाना आप देख रहे हैं बहुत सारे काम चल रहा है इस कारखाने में, सीवर सेक्शन जेट मशीन का। कारखाने के मालिक शायद ये हैं। जी भाई नमस्कार, आदाब हमारे दर्शकों की ओर से। तो सर ये आपका कारखाना है भाई साहब? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो क्या परिचय, थोड़ा सा परिचय आप बताएं भाई साहब अपना। मेरा नाम है इरफान, सुपर टेक इंजीनियर गाजियाबाद। जी 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 इरफान। और ये जो मशीन है देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ये सीवर की समस्या को दूर करने के लिए विशेष उपकरण है जो कि पूरे भारत की जो सीवर समस्याएँ हैं, ब्लॉकेजर रिमूव है, सिल्ट है, उसको सक करने के लिए बेहतर उपकरण है और ये बहुत जल्दी काम करेगी, बेहतर तरीके से इसके अंदर काम किया जाता है। तो इरफान भाई, हम आपका कारखाना देख रहे हैं, कारखाने में बहुत सारा काम आपका चल रहा है और ये आप जो मशीन बना रहे हैं भाई साहब, वो कब से बना रहे हैं, किस टेक्निक की आपकी ये मशीनें होती हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए। ये मशीनें आपकी बन रही हैं? ये मशीनें रेडी बन रही है सर, बढ़िया, सब नया माल, जितना भी फ्रेश माल में से बनती हैं सारी मशीनें। जी 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 जी। तो ये आज पहले तो कभी ट्रक पर ही मशीन चलती थी, लेकिन आपकी ये मशीनें किस किस वाहन पर चलेंगी, क्या खास बात होने वाली है और क्या क्या काम करने वाली है मशीनें, थोड़ा सा बताइए। दरअसल ये चलने के लिए बेहतर ट्रेलर, जैसा ट्रेलर होता है आपको पता ही होगा, जो एग्रीकल्चर वाले बंदे हैं जो हर जगह स्थित मिलेंगे, ट्रैक्टर वाली बंदे जो होंगे उस ट्रैक्टर में ये ट्रैक्टर माउंटेड सीवर सक्शन कम जेटिंग मशीन और ट्रेलर माउंटेड सीवर सक्शन मशीन, ये ट्रैक्टरों पर भी ज़्यादा चलेंगी और ट्रक में भी ज़्यादा लेंगी। और ये खास तौर पे आपको पता है सीवर लाइन में काम करने के लिए बहुत बेहतर उपकरण है सर ये। तो सर ये कितने तरह की मशीनें बना रहे हो इरफान भाई, हम आपके देख रहे हैं मशीन, ये कम से कम 6 से 7 तरह की है। जी, और जी। अनेक प्रकार की मशीनें हैं ये, आप देख पा रहे हैं, जैसे ये मशीन है ये ट्रैक्टर माउंटेड सीवर सक्शन मशीन है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करेगी, जा रही है बिहार। अच्छा बिहार जा रही है, नगर फतेहपुर गया बिहार। जी जी जी। 3500 लीटर की है ये, 3500 लीटर की भी है हमारे पे, 4 की भी है, 5 की भी, 6 की, जैसा डिमांड होती है ऐसे बना के देते हैं। अच्छा, ये ट्रक पर, ये ट्रैक्टर पर चलने जा रही है? ये ट्रैक्टर पर चल रही है, टेस्टिंग हो रही है भाई, टेस्टिंग हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर जाने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर जा रही है? हाँ, बढ़िया बहुत बढ़िया। पूरा ये टेस्ट करके देख रहे हैं, पूरा टेस्टिंग करके किया जा रहा है कि किस तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, लंबे दूर तक जा रही है गाड़ी, यही गाड़ी टेस्टिंग करके जब देखें डिस्पैच की जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई साहब ये बताएं कि किस तरह से क्या कीमत इनकी रहती है और क्या क्या सरकार की ओर से सब्सिडी मिल रही है, क्या प्रावधान है और कितना इसका जो तकनीक है वो किस तरह की है, ये जेट पंप कैसे लगा रहे हैं? ये जो ना सक्शन पंप है जी, ये हमारा खुद का ऑन मैन्युफैक्चरिंग सुपर टैक का ही सक्शन पंप है, 1 साल की वारंटी होती है इसके अंदर रिप्लेसमेंट की। इसमें 2 मोड है, एक वैक्यूम मोड है, यानी आप ना खींचेगा मलबे को, सील्ड को सक्शन करेगा। अच्छा अच्छा। और दूसरा इसके बाद डिस्चार्ज भी करेगा, यानी बाहर भी फेंक देगा। अच्छा अच्छा। 30 से 40 सेकंड में बाहर फेंक देगा, पूरे गंदगी को बाहर फेंक देगा। इनपुट आउटपुट दोनों की, दोनों के सिस्टम है। ये कितना माल जो है एक साथ इनपुट आउटपुट, मात्र आपका 1.5 से 2 मिनट के अंदर पूरा टैंक को 4000 लीटर को भर देगी, 1.5 से 2 मिनट, 2 मिनट में आपका। तो ये ट्रैक्टर पे जो आप बता रहे हैं ट्रैक्टर पे चलने वाली है भाई साहब, तो कौन सी हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए इसके चलने के लिए? मैक्सिमम 32 HP, 39 HP, 50 HP बेहतर उपकरण है। अच्छा। जैसे जो उसकी डिमांड है, ज़्यादातर आपको पता ही होगा महिंद्रा 265 अपने पास रखते हैं, जो कि 32 HP का, 32.5 HP का ट्रैक्टर होता है, 40 HP का,
42 HP का, ये आराम से उपकरण है, आराम से मशीन चल जाएंगे। तो भाई साहब ये टैंक को ही साफ करेगी या सीवर जो ब्लॉक सीवरेज है उसको भी साफ करेगी? हाँ दोनों काम करेगी। ये जो वर्षों पुरानी जो चोक लाइन है, जैसे आप देखते होंगे शहरों में जाकर हर बार डेली की डेली समस्या रहती है सुबह मॉर्निंग के टाइम में, कहीं वो टैंक जो आपको चैम्बर दिखाई दे रहा है उसमें ओवरफुल हो गया, गंदगी बाहर निकल गई और सड़कों पर चल रही है, कोई बाइक से कोई किसी से, कपड़ों पर गंदगी रहती है। और आप बार बार देखते होंगे कि फ़ोन कर करके जो है ना बंदों को फ़ोन किया जाता है, अधिकारियों को या नगर निगम को, नगर परिषद को, तो वो काफ़ी टाइम लगा देते हैं। लेकिन इस मशीन को आप प्राइवेट सेक्टर में, नगर पंचायत के अलावा प्राइवेट सेक्टर में आप सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हो और अपने शहर की सफाई भी इसके माध्यम से आप मिनटों में कर सकते हो। अच्छा ये बताइए इरफान भाई, इसके टैंक की सफाई हो गई, ब्लॉक सीवरेज की सफाई हो गई, इसके अलावा और भी आपकी मशीनें, जैसे आप जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीनें बता रहे हैं, तो ये भविष्य में और क्या क्या काम कर सकती है? दरअसल ये मशीन विदेशी टेक्नोलॉजी से भरपूर है। क्यों? इसके अंदर पहले आपने देखा होगा ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आवाज़ वाली मोटरें लगी हुई हैं, बहुत तेज़ आवाज़ करती हैं, जबकि गवर्नमेंट ने उन्हें बैन कर दिया कि आवाज़ वाली चीज़ें नहीं चाहिए, नॉर्मल चीज़ें। रात में भी इससे काम कर सकते हो आप, रात में भी आप इससे जो है ना सफाई अभियान पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो और आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो, बहुत अच्छी खासी अर्निंग इसके माध्यम से आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें बेहतर जो है ना टेक्नोलॉजी भरपूर है। आप देख पा रहे हो घड़ी है इसके अंदर जो इसमें वैक्यूम प्रेशर दोनों दिखाएगी, आपने ये इंडिकेटर देखा है, बोल वाल देखा, दोनों चीज़ें आपने बेहतर तरीके से देखी। एक्रेलिक के फुल दिखाने के लिए इसमें भरता हुआ आपको फील्ड भरता हुआ दिखाई देगा कि आपने कितने तरीके से आप इसको भर सकते हो। अब इरफान भाई इसकी थोड़ा कीमत की बात करते हैं, कितने लीटर क्षमता वाला टैंक है, क्या कॉस्ट उसकी रहती है और क्या क्या आप उसमें काम करके देते हैं? जैसे हम देख रहे हैं ये मिनी ट्रक है, मिनी ट्रक ये बड़ा ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक है, बड़ा ट्रक है और इस पर आपने जो इसको ये असेंबल कर रहे हो यहीं, हाँ तैयार करके दे रहे हो, तो इस तरह के जो ट्रकेज हैं तो कैंटर टाइप के, तो इनको कितने दिन में आप इसे तैयार कर देते हो? ये 10 से 15 दिन में तैयार हो जाता है। 10 से 15 दिन यानी पूरी चेसिस के ऊपर तैयार रहता है परमानेंट, हिलने डुलने कोई खतरा नहीं रहता? नहीं डलने का नहीं, चेसिस के ऊपर जो बेसिस हमने बताया, चेसिस के ऊपर हमने ट्रक माउंटेड सीवर सक्शन कम जेटिंग मशीन बना दी। जी जी, इसमें सब चीज़ें हमारी बेहतर टेक्नोलॉजी की लगी हुई हैं, आप देख पा रहे हो ना ये सारी चीज़ें हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक काम करता है ये। जी जी, मतलब जी, इससे आप बहुत अच्छे से आप सीवर की समस्या को दूर कर सकते हो देश के अंदर, तो अपनी सिटीज़ में। ये भाई इरफान भाई क्या कितनी क्षमता का टैंक है जिस पर आप? ये आपने 7,000 लीटर का है, सक्शन कम जेटिंग मशीन है, सक्शन कम जेटिंग। हाँ, इसमें जो अपना मिनिमम जो 3,000 लीटर का वाटर है और अपना 4,000 लीटर का स्लज वाला सक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कितनी कीमत अंदाज माने कि क्या कीमत रहती है? देखिए सर, इसकी शुरुआती कीमत कस्टमाइज है, आप चाहें तो इसमें जो है ना ये मशीन आप ना 5 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें छोटी गाड़ी कस्टमाइज है, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए में गाड़ियां बन जाती है। अब ये जो ट्रैक्टर वाला हम देख रहे हैं, ट्रैक्टर माउंटेड देख रहे हैं भाई साहब जी, तो ट्रैक्टर किसान के पास होता है, ज्यादातर ठेकेदारों के पास होता है, बहुत सारे ट्रैक्टर होते हैं सभी जगह होता है, तो इसमें ट्रैक्टर के साथ जब चाहो ट्रैक्टर पर कोई काम करो तब जाए मशीन को चलाओ भाई, बिल्कुल आराम। तो ये मशीन जो है ये ट्रैक्टर वाला जो है कितनी क्षमता का टैंक है ये वाला? ये अपना जो लगभग 4,000 लीटर का टैंकर है। जी जी जी, और इसकी जो कीमत है वो 2,90,000 रुपए है। अच्छा, और इसमें बेहतर उपकरण है ये है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी ब्लोबैक दी जा रही है जी, इसमें वैक्यूम मोड भी है, प्रेशर मोड भी है, दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन करता है और सेफलर है इसके अंदर, साइक्लोन है, टायर इसके अंदर नए लगा के दी जा रहे हैं, आप देख पा रहे हो नए टायर है इसके अंदर, 916 के भी हैं, 825 16 के भी हैं। टूल बॉक्स साथ में दिया जाता है लगाकर, ये टूल बॉक्स के लिए रखने के लिए सारी चीज़ें प्रबंधित है। और इसके बाद इसमें प्लेटफॉर्म दिया जाए, सेम गाड़ी की जो लुकिंग है ना, सेम गाड़ी का जो इतने मोटे पैसे लगा कर 8 लाख 10 लाख रुपए लगाने की बजाय आप इसमें कम कीमत में सेम इसका आनंद ले सकते हो। तीसरा इसके अंदर उपकरण ये है कि इसमें जो है ना खोलकर ये चीज़ें खोलकर आप इसकी जो है ना महीने दो महीने में सफाई भी पूरा ये चैम्बर खुल जाएगा, पूरा चैम्बर खुल जाएगा। ये बेयर कपलिंग है, इसमें जंक नहीं लगता, GI कोटेड GI होते हैं मटेरियल, बोल वाल हैवी लगाया हुआ, हैवी बोल वाल है इसके अंदर। तो ये ट्रैक्टर माउंटेड हो गया, ये ट्रैक्टर माउंटेड है, सब कुछ नया मटेरियल लगा के ही दिया जाता है। ये गाड़ी जाने वाली J&K जम्मू कश्मीर J&K लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर एक्रेलिक एयर फिल्टर, ये मशीनें जो बंदे बना रहे हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्कुल भारत के अंदर नहीं है। अच्छा, ये वाला देख रहे हैं हम, ये मिनी ट्रक पर जो आप, ये मिनी ट्रक पर है, ये सीवर सक्शन मशीन है सर, सीवर सक्शन है जी। तो ये क्षमता इसकी 4,000 लीटर है, कम है इससे? ये 4,000 लीटर है सर इसकी। अच्छा अच्छा,
तो इसका क्या क्या कॉस्ट अप्रोक्सीमेट रहती है? एक्चुअल में इसकी कॉस्टिंग आप मिनिमाइज कस्टमाइज कर सकते हैं, आप सीटें 3.5-4 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं इसकी कीमत ऐसे कस्टमाइज। कोई 3,000 लेना चाहता है, कोई 2,000 लेना चाहता है, कोई 3,000, तो उस हिसाब से गाड़ी के ऊपर डिपेंड, टैंक की क्षमता के ऊपर है और उसमें क्या क्या सुविधाएं आप चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि पंप हमें हैवी लगा दीजिए, उसकी पंप की कीमत बढ़ जाएगी। कोई कहता है जी पंप छोटा लगा दीजिए, तो डिफरेंस होता है ये सारी चीज़ों का, इसी हिसाब से ये इसमें कस्टमाइज चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। तो ये कंपनी की ओर से सब्सिडी या कोई लोन की सुविधा है या सरकार सब्सिडी दे रही है भाई साहब इसके बारे में? समझ गया, सरकार तो गवर्नमेंट सभी राज्यों में जो है ना सब्सिडी देती है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आप सब्सिडी का पूरा लाभ ले सकते हो। कोई किसान या कोई कामगार भाई या कोई ठेकेदार भाई यदि आपसे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितने दिन में किस मशीन पर और आप इसे बना करके तैयार दे देते? दरअसल क्या ना, मशीन हमारे पास तैयार रहती है जी, सिर्फ हमें ट्रैक्टर में 10 दिन में हफ्ते भर में हम इसको मशीन को तैयार करके अपलोड करके दे देंगे। ट्रैक्टर वाली मशीन है जिसमें पैसे हमें बचाने, यानी ट्रक जो आप देख पा रहे हो ना जी, ये जी, ट्रक से आपकी कीमत कैसे बचानी है, ट्रक ही आपका 18-17 लाख रुपए का है जी, जी, और उसके बाद ये बनाने में आपको 3-5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो वो चीजें आप इतने रुपए में ये ट्रैक्टर वाली मशीनें मिल जाएंगे, ट्रैक्टर वाली मिल जाएंगे। आपको बताया 2,90,000 रुपए से जो शुरुआत करके 1.5 लाख रुपए से ये मशीनें आप जो ना कम कीमत में अपना इसके ट्रक के पैसे बचा सकते हो। देख रहे हो ट्रक महंगे महंगे हैं, उनको कम कीमत में आप ट्रक के पैसे बचा सकते हो और ट्रैक्टर पर लगा के आराम से सेम वही काम करेगी, बढ़िया बिजनेस चला सकते, बढ़िया बिजनेस वही काम करेगी। जैसे दूर से हमारे पास लेने के लिए आए हुए बंदे, आप उनसे चाहो तो परिचित ले सकते हो। जी 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 जी, ये J&K जा रही है मशीन आपकी, तो ये मशीन है, ये भाई साहब J&K के रहने वाले हैं। हाँ, ये मशीन लेने के लिए आए हुए हैं, चाहो तो आप इनसे जो है ना जी भाई जी फीडबैक दे सकते हो किस तरीके से आए हमारे पास। आ जाओ भाई दीदी, अब भी आ जाओ, आप नहीं कोई बात नहीं, सभी हैं तो कोई बात नहीं, दो चार बात ही पूछेंगे अभी अपलोड हो जाएगा। तो भाई आप क्या क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप लोग? जी सर मैं कश्मीर से आया हूँ, मुंतजर से मेरा नाम है। मुंतजर कश्मीर से आए हैं आप? हाँ सर। और ये आपके साथी हैं जो दो? जी सर ये मेरे। अच्छा अच्छा, तो ये कौन सी मशीन आपने यहाँ बनवाई भाई साहब? जी हमने सीवर सेक्शन मशीन, सीवर सेक्शन मशीन, ये जो मशीन आपने बनवाई सर, तो कैसी मशीन लगी आपको, क्या क्या काम करने जा रहे हैं आप इस मशीन से सर? यहाँ सर मशीन तो बढ़िया है, हमने खुद मतलब यहाँ आके हमने देख लिया है, सब कुछ अच्छा है। तो बेसिकली हम जो ये मशीन ले रहे हैं हमें मतलब सफाई के लिए, सफाई के लिए। हाँ, तो ये कहाँ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने यहाँ की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट? हाँ सर यूट्यूब के द्वारा हमने इनसे कॉन्टेक्ट किया, इंडिया मार्ट से भी हमने देख लिया था। तो जो आपने यूट्यूब पे इंडिया मार्ट पर देखा मौके पर, वही सब बातें आपको देखने को मिली? जी सर बिल्कुल वही सब कुछ, मामला बढ़िया, कंपनी के मालिक सही है, आचार विचार इसमें जो कहेंगे वही मिलेगा सामान आपको, सारा सामान ओरिजिनल मिलेगा आपको। तो दोस्तों आपने देखा सुना समझा, ये सीवर सेक्शन मशीन या सीवर सेक्शन कम जेट मशीन आपको यदि खरीदनी है, बिजनेस करना है आपको, ठेकेदारी का बिजनेस करना है, सीवर की साफ सफाई का काम धंधा करना है, या फिर आपको बंद पड़े सीवरेज की का बिजनेस करना है, बड़े ट्रक पर लगवानी है या फिर मिनी ट्रक पर लगवानी है, बहुत कम पैसे में यानी 2-4 लाख रुपए में ही ये ट्रैक्टर पर जो ये J&K के लोग ले जा रहे हैं अपना बिजनेस करने के लिए, इस तरह की मशीनें आपको खरीदनी है तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कंपनी की पूरी हमने आपको पड़ताल दिखाई है। दोस्तों जरूर आप ट्राई करें, अजमाएं, सब्सिडी मिल रही है यूपी में और ये बहुत ही बढ़िया धंधा है, ट्रैक्टर जब चलाएं खेती किसानी में और इसके साथ साथ आप ठेकेदारी का भी कामकाज कर सकते हैं। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी मुरादनगर की कंपनी से, नमस्कार।